टिकट ले लिए हम थार और देखने के लिए। हम थार देखने आए नहीं इधर अभी अपनी डेमो में लॉन्च होने वाली है नेक्स्ट जर्नी से नहीं थारी। तो टिकट हमें कितनी पड़ी है? 30 ही पड़ी है ना। 30 टैंक है पाकिस्तान का जिसको चीन ने उड़ा दिया था। पाकिस्तान का है यहाँ पे और वैसे पाकिस्तानी टैंक। पाकिस्तान का टैंक है भाई। चाइना वॉर ये क्या है? तो मिसाइल मिसाइल खाली खोखले ही है उसके, कुछ है भी नहीं। सारी मिसाइल्स हैं और ये और ये हमारे इंडिया के हेलीकॉप्टर पंचर हो रखे आगे टायर आगे टायर पंचर कर रखे हैं खोखले ही है। का नाम S-55 है। USSR ने बनाया था ये कार की टैंक लेगा ये भी 1950 इसका नाम S-55 है। USSR ने बनाई थी और किसने बनाई थी? ये भी USSR ने बनाया था भाई। MI4 अच्छा MI4 चाइना वाले नाम कॉपी किया है। USSR 1960 MI4 सेल पे है सेल होंगे भाई काफी महंगे रखे भी कहाँ हैं रोज़े एयर कमांडो 55,000 का होगा ये। हाँ 55 का होगा कम से कम। छोटे ड्रोन चलते हुए हाँ चलते हैं 7.5 ये भी किसने बनाया था? ये यूके ने यूके ने बनाया था। ये यूएसए ने बनाया पक्का यूएसए ने बनाया हुआ है। देखते हैं भाई ये यूएसए से है मैन्युफैक्चर हुआ। तो हमें एक यूनिक चीज दिखी सर ये ट्रैक्टर ये रेडार है इसका नाम SNR-75 है। तो अभी हम अंदर चलते हैं विपुल भाई के साथ। इसमें बैठने देते हैं पहले अपनी बैठने देते हैं। भाई गाड़ी है मेन एक लाल रंग की बॉडी है ना बॉडी के भाई लाल बत्ती वाली वो जो यूके वाले देखा ना बार वो हरा रहा उसका नाम HF-24 मारू। बढ़िया भाई रोल्स रॉयस इंजन दे रहे इंडिया वाले। ये क्या है भाई मूनलैंडर पहले भी चलते आ जा भाई। एक चीज मुझे बढ़िया लगी इधर गाड़ी कृपया है कि सही गाड़ी है फोर्ड की अपने एंडेवर वाले भैया की। कितने और पॉज किए? 315 भाई बहुत है। 4,600 RPM की है। 8 सिलेंडर मस्टैंग में नहीं होता इतना सिलेंडर तो क्या 8 सिलेंडर दे रखा है इसमें। इसका भी इंजन 50 की मैक्सिमम स्पीड है इसकी। यूके की है ये और उत्तराखंड रॉयल्स रॉयस इंजन उत्तराखंड की तो नहीं है रॉयल्स रॉयस का इंजन एक इंजन है वो भी सेम उसमें तब भी दो है। ये देखिए
तभी तो 11 मिसाइल छोड़ने वाली है। ये अभी तक सबसे तेज है पता है प्लेन, देखा जो मैंने अभी तक, पायलट बैठा रखा है अंदर। चल आगे चलते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं हम। ये भी यूके ने बनाया है, ये यूके ने बनाया है और उत्तराखंड वालों ने, यूनाइटेड किंगडम वाले। रोल्स रॉयस का इंजन है? नहीं, किसका है? वनडे हैवीलैंड कॉबिन, अरे डिजाइनर का भाई। पायलट की फोटो लगा रखी है पीछे, पायलट की फोटो लगा रखी है। वी अवेयर ऑफ ब्लास्ट है क्या? एग्जॉस्ट पाइप है, खाली पड़ा है प्रॉब्लम है। इससे बड़े भैया मेरे साइकिल में है, इंडिया का इंजन इसमें है, चेस्पी कॉन्टिनेंट का भाई। अरे ये शेवरले का इंजन है इसमें, शेवरलेट का इंजन और देखना कॉन्टिनेंटल का, कॉन्टिनेंटल का इंजन लिंकन बनाता है, लिंकन कौन ऑन करता है? जनरल मोटर्स यानी शेवरले का इंजन है भाई इसमें। हाँ तूफानी फ्रांस ने बनाया होगा पक्का, देख फ्रांस लिखा है तूफानी। राफेल सुना? राफेल सेम कंपनी ने बनाया है, राफेल डिजॉल्ट ने, राफेल भी सेम कंपनी। तरफ बढ़ते हैं हम विपुल भाई के साथ, इसका ये फ्रांस में, ये भी भाई इंडिया को बनाता भी था। वो अमीर लौंडा था जिसे कुछ इम्पोर्ट कराता था, उसकी हाल लिया तो साबुन पड़ा हुआ है तुम वाला साबुन पड़ा है और ये क्या है भाई बता भाई, राउसर का इंजन है और देश का कृपा इंजन जानता है, फैंटम 6 में भी लगा था ये क्या बन गई थे। यूके ने बनाया, यूके के सारे ये करते हैं। MiG-21 तो अभी चल रहा है, अभी चलते हैं पता है, यहाँ ले चलते हैं और 2070 की स्पीड में रखते हैं। इसमें किसके इंजन है? अभी हम उधर जा रहे हैं, उधर चेन बंद थी तो अभी हम उधर जा रहे हैं। ये सब तो देख लिया हमने, इसके सामने इसके साथ फोटो खींच दे बस, फ्रांस वाले साथ फोटो खींच जाएगा भाई बिल्कुल। इस पर से लिखा भी नहीं है, ये भी यूके का, इसके अंदर भी रॉयल बिल्कुल भाई डिस्क्राइब करो इसे। अपना यूके का बनाया हुआ है ठीक है, यूके का है, इसके अंदर भी ऑर्फेस इंजन लगा था, 1 Bristol इंडिया लाइसेंस लेके बनाता था, चलाता था रोल्स रॉयस इंजन है। ये भाई रोल्स रॉयस कंपनी की गाड़ी है, अब चलती नहीं है, अब बस फैंटम चलती है। फैंटम घोस्ट मैक्स स्पीड, क्या नाम है इसका? हॉकर हरिकेन, हॉकर हरिकेन। वाह भाई ये पंखड़ी घुमा घुमाई तो मैंने अभी घुमा फोन पकड़ गाड़ियाँ इधर ही आ जाती है, वापिस घुमाओ तो है क्या इसके अंदर इंजन? इंजन 2005 पुरानी चीज़ तो ये है भाई इधर की, कानपुर से भी माल आ रखा है देखियो, पंखड़ी कानपुर टू बताता हूँ क्या है ये अपना वकीकी मार्क टू है यार, इसके अंदर इंजन डल रखा है 550 हॉर्स पावर वाला, डॉज का इंजन ले लो यार, मतलब उस 2 सीटर प्लेन, 2 सीट है भाई इसमें बस। ये पंखड़ियाँ मुझे मस्त लगी, ये नहीं उखड़ गई है, कपड़ा डलता है, कपड़ा डलता है, कपड़ा डलता होगा हाँ, निकल गई हैं कपड़े इसके, सबसे पुराना यही है वैसे। पंखड़ी बांध रखी है इसकी तो हाँ हाँ कोई चुरा के ले जाए, गन जो लगते हैं वो कानपुर में लगती है।
जो यार जहाज था वर्ल्ड वॉर टू के लिए बनाया गया था ना। रोल्स रॉयस का इंजन है इसमें। इंजन नहीं जहाज ही रोल्स रॉयस का है। रोल्स रॉयस की जहाज है। रोल्स रॉयस ग्रिफन। कपड़े में लगाया उस पे तो तभी हम सारा देख ले सब। तभी हम ऊपर जा रहे हैं। ऊपर से व्यू देखेंगे इसका। ओ भाई वीडियो भी कैसी है इसकी यार। वीडियो कैसी है। ओए पूरा मजे ले रहा है। नीचे थे ऊपर जमीन पे आ गए। तो अभी हमने ये पूरा कवर कर लिया है। ये तिजोरी है। तिजोरी है ये टायर रखते हैं इसमें। भाई टायर पड़े हुए हैं। टायर पड़े हुए हैं मेरी गाड़ी के लिए। ये हेलीकॉप्टर के टायर पड़े हुए हैं। ये अभी मैं अपने गाड़ी में लगवाऊंगा। ये दोस्तों मैं साइकिल कितने हैं देख रहा है। हवा भरा है इसमें यार। ये रिम देख रहा पहले से। हां रिम देख मेरे टायर है। तो अभी हम चल रहे हैं गैलरी 2 और 3 के तरफ। है क्या भाई यार। हम इधर आए चीफ मार्शल। म्यूजियम है ये। खतरनाक चीज है मेरे पीछे। ये हेलमेट सही रहेगा वैसे राइडिंग में। जीरो चाहे तुम्हारे पास ट्रक चल जाए तो कम नहीं लगा। अरे ये अभी कहाँ लगाऊँ मैं। ये असली मिसाइल है। असली है भाई ये वो नकली। ये कांच कांच भी लगा है। पन्नी लगी है इस पर। पन्नी लगा रखे सही की मशीन है भाई इसमें तो। ढूंढ रहे इसमें कहाँ से लॉन्च। फ्यूल है ही नहीं कुछ होगा ही नहीं। बटन मिल जाए हम लॉन्च कर देंगे अभी से। थर्माकोल गए नीचे। थर्माकोल गए छोड़ना रस्सी से बांधा हुआ रहने दे। रस्सी तो बांध रखता है ये भाई। इसने उखाड़ दिया ऐसे करके होता रहता है। चलो ये उखाड़ दिया इसने। अरे निकलती है कैप। अबे नहीं कैप है। हाँ कैप है। एक अच्छी सी वीडियो ला रही है। कैमरा ब्लॉगिंग के लिए नया कैमरा लूँगा मैं। यही लूँगा। ये कैमरा है नाइट फोटोग्राफी के लिए। तो ये मेरे ब्लॉगिंग में काम आ सकती है। यू हैव सिंगल जनरेटर। ये क्या भाई बांग्लादेश नेशनल कैडेट्स ऑफ चाइना का एविएशन म्यूजियम में कुछ किया है। बीजिंग रीजनल एयर फोर्स कमांड पीआर है। अवार्ड है सारे ना। बेगम ताहुरा जमात चीफ पैटर्न आई है। तो भाई तेरा वाला कौन।
ये पुराने जमाने का DSLR है, ये सारे DSLR है पुराने जमाने के, जिससे लोग ब्लॉगिंग करते थे। है फुल मिलिट्री में जाके ब्लॉगिंग करते थे। और पाँच बज गए तो अभी 5 बज गए करेक्ट, सब बंद हो गया। अभी 5 बजे बंद हो जाता है, आ जाए फुल 5 बजे सब बंद हो जाता है। सारी लाइट बंद कर दिए पीछे की, बंद हो गया भाई फुल। कहाँ रह गया भाई, सब बंद हो रहा है। हम भी घर की ओर चलते हैं। ये क्या है भाई, व्हाट इज दिस सस्पेंशन? तो पूरा कंप्लीट कर लिया आज हमने, कंप्लीट होने का टाइम ही बंद हुई है। सही टाइम पे आए थे वैसे, हम थोड़ा और लेट होते तो कुछ देखने को नहीं मिलता। सब बंद हो गया अभी तो, इसका मेन गेट भी बंद हो गया। हमें भूख लगी है तो हम चलते हैं। कहाँ जा रहे हैं भाई? तो आज की वीडियो हमारी इतनी कंप्लीट होती है और हम एग्जिट भी करते हैं। भाई बैग तो ले ले, बैग लेके आ जा, आज हम पूरा घूम ले इधर। और इसकी टिकट की मैं फिर से बता देता हूँ, टिकट इधर की है 30 रुपये पर पर्सन है। घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है वैसे तो, ये बड़ा तो है वैसे बहुत।